ये शायद आप लोगों को पता ना हो, पर ये पूरी की पूरी दुनिया नकली है। आप जो जिंदगी जी रहे हो वो आपके नहीं है, उसे किसी और ने ही दिया है। ये मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया जिसमें आप जो कुछ भी देखते हो सब कुछ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, जी हाँ, एक माया जाल है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बकवास है ये, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दुनिया नकली है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही तो है, ये दुनिया एक जाली नोट की तरह नकली कैसे हो सकती है। नहीं ना, नकली हो ही नहीं सकती यार, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज पर यकीन कर पा रहे हो या नहीं, पर मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी पहले विश्वास नहीं था कि ये दुनिया नकली है। मैं भी आप लोगों की तरह वैज्ञानिकों और साइंस पर बिलीव करता हूँ, और उन लोगों का कहना है हमारा ये ब्रह्मांड, हमारा ये यूनिवर्स नकली हो सकता, पर हम काफी हद तक ये तो जानते हैं कि ये नकली ब्रह्मांड कैसे बना होगा। इसकी शुरुआत होती है आपसे कि आप कहां से आए। तो ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स की वजह से आए, और वो अपने अपने पेरेंट्स की वजह से आए। इसी तरह से लास्ट में देखा जाए हमारे धरती पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिससे जीवन की उत्पत्ति हो गई। कई लाखों करोड़ों साल पहले हमारी अर्थ की उत्पत्ति हुई, और सिर्फ हमारी अर्थ ही नहीं, इसके साथ लाखों करोड़ अरबों सितारों और ग्रहों का निर्माण हुआ, और ये सब कुछ संभव हो पाया ब्रह्मांड की उस रहस्यमय घटना के कारण जिसे हम लोग कहते हैं द बिग बैंग। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब एक ऊर्जा थी, इस पूरे स्पेस में एक एनर्जी अरबों साल पहले ब्लास्ट हुई, एक छोटे से बिंदु के बराबर एक ऊर्जा में ब्लास्ट होने की वजह से आज ये इतना बड़ा, इतना भयानक और अनंत तक फैला हुआ ये ब्रह्मांड बन चुका है, और हर पल हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। तो सवाल यह आता है कि जब इस स्पेस में कुछ भी नहीं था, जी हाँ कुछ भी नहीं था, उस वक्त ये छोटी सी एनर्जी, ये छोटी सी पॉइंट वाली एनर्जी जिसे हम लोग बिग बैंग ब्लास्ट कहते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, कहीं ना कहीं इसका निर्माण हुआ होगा, लेकिन आज तक इसका जवाब हम लोगों को नहीं पता, और शायद जान भी नहीं सकते। अब जरा गौर कीजिए, सब कुछ इतने सिस्टम से कैसे चल रहा है। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से बैलेंस में है। आपके दिल की धड़कन से लेकर ब्रह्मांड के सब नियम एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे चलते हैं, और आखिर क्यों क्यों लाइट की स्पीड उतनी ही है जितनी की उसे होनी चाहिए, ग्रेविटी नाम की चीज क्यों है, इंसान और दुनिया के बाकी जीवित प्राणियों में प्राण क्यों है, बिना किसी कंट्रोल के ये सब कैसे हो रहा है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, क्या ये संयोग है या कुछ और जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और जब ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक कंप्यूटर के अंदर बंद हैं। जी हाँ, हम एक कंप्यूटर के अंदर सिमुलेशन है, एक गेम कैरेक्टर्स हैं, और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम इंसान टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के हमारे स्मार्टफोन नासा के उन कंप्यूटर्स से भी तेज हैं जिनसे साल 2011 में मून मिशन अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था। मतलब सोच सकते हो कि हम लोग तब से लेकर आज तक कितने एडवांस हो चुके हैं। आज के हमारे कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर इतनी बढ़ चुकी है जिनकी वजह से आज हम ब्रह्मांड को धीरे धीरे जान रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपको बताया कि इस दुनिया की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी और वो सब, तो ये पता कैसे चला? ये पता चला इन सुपर एडवांस कंप्यूटर्स की वजह से। इन कंप्यूटर्स की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि इनमें हमारे गेम्स और सिमुलेशन काफी असली लगते हैं, रियल लगते हैं, एक रियल वर्ल्ड की तरह, एक रियल दुनिया की तरह। और यहीं से हमारे इस सवाल की उत्पत्ति होती है कि ये दुनिया नकली है। हमने एक से बढ़कर एक गेम्स बनाए जो असली दुनिया के जैसे लगते हैं, जैसे PUBG, GTA 5, जिनमें आप आते हो और अपने मन मुताबिक खुद को कंट्रोल करते हो। उन गेम्स के अंदर जो कैरेक्टर होता है, क्या उसको ऐसा लगता होगा कि ये पूरी दुनिया नकली है? नहीं ना, उसे ऐसा लग ही नहीं सकता, वो तो कुएं के मेंढक जैसा है, जो भी दुनिया है ये कुएं के अंदर ही है बस, और कुछ नहीं है। तो हम तो ये जानते हैं कि जो आप मोबाइल में गेम खेलते हो, जो आप अपने कंप्यूटर में गेम खेलते हो, वो तो नकली है। ये सब प्रोग्रामिंग का कमाल है,
ये सब प्रोग्रामिंग कोड का ही कमाल है जो कंप्यूटर में जीरो और एक के रूप में होते हैं, जो कंप्यूटर में लगे जीपीयू के जरिए इन बाइनरी डिजिट्स को, इन बाइनरी कोड्स को ग्राफ और वीडियो के रूप में बदलते रहते हैं। GTA 5 गेम जब आप खेलते हो तब रियल लाइफ की तरह सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उसमें भी आसमान है, ग्रेविटी है, टाइम है, स्पीड है, लाइट है, हर एक कैरेक्टर अपना अपना काम कर रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, रिसर्चिंग, एवरीथिंग। जो भी आप अपने रियल लाइफ में करते हो वो सब कुछ इस गेम के अंदर जीरो और एक के रूप में प्रोग्राम किया गया है ताकि आपको ये रियल लगे, असली लगे, और इसी चीज को हम सिमुलेशन कहते हैं। और जस्ट इसी तरीके से हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन हो सकती है। ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्टन, जिन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की, द मैट्रिक्स सिमुलेशन थ्योरी, जिन्होंने 2001 में एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम था आर यू लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसमें वे बताते हैं कि एक्चुअली में हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन का पार्ट हैं। और इनकी ये थ्योरी द मैट्रिक्स सिमुलेशन भी यही कहती है और ये काफी पॉपुलर भी है। द मैट्रिक्स सिमुलेशन थ्योरी को इलोन मस्क भी मानते हैं। उनका भी कहना है कि हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं, एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर के अंदर बनाई हुई सिमुलेशन में रह रहे हैं और हम सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। द मैट्रिक्स सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार हम सब कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर मौजूद एक कैरेक्टर हैं, जिन्हें हमसे भी एडवांस कोई दूसरी सभ्यता ने अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग कोड के जरिए बनाया होगा, जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में पोस्ट ह्यूमंस कहते हैं, और शायद वही हमारे गॉड यानी कि भगवान है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद ये हो सकता है कि हम सब लोग असली दुनिया में नहीं रहते बल्कि एक कंप्यूटर की दुनिया में रहते हैं, और जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, ये सब कुछ उस कंप्यूटर सिमुलेशन का गुण हो, उसकी क्वालिटी हो सकता है। और आप ये तो जानते ही हो, हर एक गेम में कोई ना कोई ग्लिच जरूर होती है, कोई ना कोई खराबी जरूर होती है, और ये ग्लिचेस और ये खराबियां और कुछ नहीं, वही सब चीजें हो जिन्हें हम लोग रहस्यमय मानते हैं, जिन्हें हम लोग मिस्टीरियस मानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।